दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2023 के बारे में। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है एक तरीके से, जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है, और इसके अधीन आने वाली जो भी मतलब वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि नई निकली हुई है। विधि अधिकारी, इसके अलावा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और साथ ही साथ कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारी या अभियंता कह लो। तो ये तीन तरह की वैकेंसीज निकली हुई है, एलओ, जेएसओ और जेडब्ल्यू वाली। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या रहेगी, कैसे फॉर्म अप्लाई करना, वो सारा सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक देखना, शॉर्ट वीडियो है, अगर आपके काम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप रेफरेंस दे सकते हो या प्रेफर कर सकते हो किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में। जो विज्ञापन संख्या है 012023, विधि अधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता पर संयुक्त सीधी भर्ती निकली हुई है 2023 की ये वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हो पदों की संख्या। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हो, ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये जो वैकेंसी है बहुत ही कम पदों पे और बहुत ही कम बार आती है, लेकिन इस बार ये यहाँ पे ये वैकेंसी एक तरीके से निकल चुकी है। तो आप देख सकते हो, मैं डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता लो ऑफिसर की आप सभी को पता है, LLB मांगी जाती है। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर में MSc MS मांगी जाती है, और जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी MTech और ME डिग्री मांगी जाती है, जो कि हर बार यहाँ पे ये मोस्टली 2-3 साल में एक बार वैकेंसी निकल जाती है। इस बार वापस से निकली है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पेमेंट, इसका जो सैलरी है बहुत ही हाई लेवल की सैलरी मिलती है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी पूरी डिटेल है वो देख सकते हो, 18 से 40 साल मांगी गई है, और साथ ही साथ पूरी वही जो सेम क्राइटेरिया रहता है हर बार, वैसा ही सेम क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन डेट क्या होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा परीक्षा स्थान तिथि, परीक्षा स्थान तिथि यथासंभव यथासमय वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। अवधि है 18-10 से शुरू है और 17-11 तक आपके भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया, ये आपकी वेबसाइट है, राजस्थान की वैकेंसी है, तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पे जाके आप सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो भी गिवन होगा। इसके अलावा शुल्क कोई देय नहीं होगा इस भर्ती के लिए, कोई भी शुल्क नहीं है। और स्कीम है लो ऑफिसर के अलग पार्ट के हिसाब से, आप देख सकते हो सिलेबस। इसके अलावा जो भी जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनका नीचे सिलेबस अलग से दे रखा है, और साथ ही JEE की वाला भी सिलेबस दे रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे फॉर्म का लिंक दिख जाएगा आपको, वहां पर भी जाके इसके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हो। धन्यवाद।